नमस्कार प्रणाम, मैं आकांक्षा दुबे आज मैं बनारस में शूट कर रही हूँ और शूटिंग में तो बहुत मजा आ रहा है। जय सिया राम, हरिओम। ये बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री है तो वो मुंबई में ही ज़्यादातर काम होता है। अब तो बिहार विहार में भी होने लग गया है, उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो रहा है। तीसरे दर्जे की इंडस्ट्री मानी जाती है और आचार विचार व्यवहार से नहीं मानी जाती है, पर प्रस्तुति से मानी जाती है। और फिल्म साफ सुथरी होती है लेकिन गाने के शब्द बहुत ही अश्लील होते हैं, जिसके लिए बहुत आलोचना भी होती है उसकी। तो उसकी एक हीरोइन थी, 25 साल की उम्र की थी, आकांक्षा दुबे नाम था, उनके साथ हादसा हो गया है। मतलब अब वो नहीं रही हैं बनारस के एक होटल में, ये कुछ हुआ तो हंगामा होना ही था। तो अब सोशल मीडिया पे बहुत पंगा चल रहा है, लोग कह रहे हैं, उनके जो फैंस हैं वो रो भी रहे हैं। और एक अभिनेत्री के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो दुख की तो बात है ही। उनके एक कहते हैं कि वो इन रिलेशनशिप में थी या प्रेमी था, समर सिंह, उसने भी एक ट्वीट किया है, आंसू बह रहे हैं इमोजी के और रिप आकांक्षा लिखा हुआ है। तो अब तो ये बात है कि वो प्रेमी है तो अब चक्कर में तो आएंगे, अब पीट पिटाए भी जा सकते हैं समर सिंह, पकड़े भी तो जा ही सकते हैं, पूछताछ तो हो ही सकती है। वहाँ का जो मतलब मैं जो बात करने आया हूँ, आप लोग प्लीज़ आप समझिए मैं क्या कहने के लिए आया हूँ, और सारी संवेदनाओं के साथ मैं बात कर रहा हूँ। पुलिस पहले वहाँ क्या कह रही है वो सुन लीजिए। होटल सोमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली, इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए। यहाँ से प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। जो भी होगा जांच उच में होगा, लेकिन अब हमारे मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो खुद के आ गए हैं कि भैया मैं तो कहीं का सांसद हूँ, बिहार से हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ध्यान दूँ, मैं DSP से लगातार इन टच में हूँ। ये बहुत ही दर्दनाक मसला है, बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही संवेदनशील है, और ये बहुत ही सीरियस मसला है, इसकी जाँच बहुत तरीके से होनी चाहिए। एक तरह से उन्होंने इस पूरे मसले को हत्या साबित कर दिया। वो CBI के चीफ हो गए, पुलिस की बात क्यों हो गए तो बाद में बात करूंगा, पहले उनको सुन लीजिए। एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन ये घटना बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत बेरहमी से हुई है। मैं आप सबको इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में आप सब मदद करें। जब से घटना हुई है मैं लगातार DCP के संपर्क में हूँ। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सुनियोजित है, प्लान्ड है, आप लोग व्यवस्था बनाए रखिए। अरे क्या कर रहे हैं ये आप, सब पता है आपको, तो बता दीजिए। क्या कभी शोर नहीं मचा है कि लहंगा उठाए तो लेकर मार हो जाए, ऐसे गाना क्यों बनते हैं? वहां की जो स्त्रियां हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं, उनके लिए कोई ढंग का माहौल क्रिएट हो, उनका सम्मान हो, उनको तरीके से देखा जाए, उनको ढंग से पेमेंट मिले, कलाकारों में मतभेद न हो, कलाकारों में भेद न किया जाए। स्त्रियों को जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके साथ बदतमीजी न हो, कभी बोलने के लिए आए हैं? तो मैं क्या बोलूंगी, आपने तो एक पैसे भी नहीं दिए। 10,000 में कोई हीरोइन काम करेगी आपके पास? कौन काम करेगी? एक तो बात करने की तमीज नहीं है कि कैसी है रे तू, तेरे बारे में जो जैसा बोलते हैं तू वैसी है क्या, तू देखना तो ऐसी। अरे ये कोई बात होती है करने की? फिल्म में काम करती हूँ, मेरा नाम होने जाना हटा देते, और मुझे वैसे भी किसी की फिल्म में काम करके अपना नाम नहीं लेना है। ऑडियंस मेरी है, मुझे पहचान जाएंगी, मेरा काम देख के पहचानेंगी। ऐसा था कि मैं चुप रहती थी, अब मैं चुप रहने वाली हूँ नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे ग्रेटिट भी चाहिए। क्या मनोज तिवारी, पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टयादीश है, हर हर मतलब न्यूज में आ रहा है कि ये खुद की जान ली है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए ये एक कहते हैं कि 22 घंटा पहले का एक वीडियो है जो वो इंस्टाग्राम पे थी,
मतलब दिमाग में तो कुछ चल रहा था ना, वीडियो देखिए ना कितनी खामोश है, क्या है वो रात में, जबकि घटना है किसी बर्थडे पार्टी में गई थी, 2 बजे रात में आई थी, वो उनका आप जो पर्सनल अटेंडेंट है वो बता रहा है। कहीं वो शायद बर्थडे पार्टी में गई थी रात को, यहाँ से 8 के आसपास गई थी, भी वहाँ से 2 या 2:15 बजे आई है। कमरा तो आप लोगों ने क्या नहीं, कमरे ऐसे नहीं खुले, जब हम बेल बजाए नहीं खुला, लॉक किया नहीं खुला, फिर गुस्सा आया, बहुत तेज़ दरवाज़ा मारे कि मैडम खोलो दरवाज़ा, क्या बातें हैं, कब तक नहा रहे हो, क्या सूट पे चलना है। राहुल मैडम सब लोग खड़े थे, बोले संजय, राहुल भाई बोले कि अभी तुम जाओ मास्टर चाबी लेके आओ, काउंटर वाले के पास गया। जो मेकअप वुमेन है, जो बनारस की है, बनारस में उनका घर है, उन महिला का उनके बच्चे हैं, वो कहती हैं कि मैं चली जाती हूँ घर, मैं रात में होटल में नहीं रुकती क्योंकि मैं यहाँ के लोकल हूँ। वो कह रही है कि उन्हें नहीं पता कि ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, पूछे भी तो नहीं बताते हैं, भैया हीरोइन लोग हैं। सर ये तो हमें नहीं पता सर, अब मैं हमारी जो हीरोइन हो या हीरो हो, आपने टेक्नीशियन से कोई पर्सनल बात नहीं बताते हैं, हम लोग इंटरफेयर भी नहीं करते हैं कि आप हमें अपना पूछने का हक भी नहीं देते हैं कि आप हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हमको रोकने का हक नहीं। पूछेंगे अगर मैं पूछते मैडम आप कहाँ जा रहे हैं, तुमसे क्या मतलब। लेकिन मनोज तिवारी को पता है कि बड़ा ये सुनियोजित ढंग से किया गया मसला है, तो भैया बता दो एडवांस में बता दो, सीबीआई के चीफ हो गए ना, पुलिस अफसर हो गए, डीआईजी हो गए, सांसद तो रहे नहीं, कलाकार तो पहले से थे ये आकांक्षा सुंदर थी, मजबूत थी, खुले दिमाग की थी, केयरिंग थी, ऐसा लोग बता रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन में भी गई थी, भदोई की थी, उत्तर प्रदेश की, मुंबई में महाराष्ट्र में सेटल हो गए थे इनकी फैमिली वाले, तो ये 3 साल से ही मुंबई में रह रही है, अब इसको भोजपुरी फिल्म में ही काम कर रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत थी एक्टिव थी और गाने उने की थी, वो पवन सिंह जो है भोजपुरी फिल्म का स्टार, उसके साथ कोई गाना रिलीज हुआ था उसी दिन जिस दिन इनके साथ ही हादसा हुआ, उन्होंने खुद किया या क्या हुआ वो तो पता नहीं, वो तो पुलिस जांच में बताएगी, लेकिन अभी जो है मनोज तिवारी वो सीबीआई अफसर चीफ हो गए सांसद से, वो बता दिए कि ये सुनियोजित मसला है और इसको हम जल्दी पता लगाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मतलब संवेदना का ये असर ये है कि वो कर क्या सकते हैं, वो इस तरह की घटना दोबारा न हो, लोग डिप्रेशन गई थी ना बच्ची, पता है ना, तो उसकी माँ से पूछताछ करो ना, डिप्रेशन में क्यों गया था, गई थी डिप्रेशन के बाद क्यों दोबारा से उनको फिर डाला इसी दुनिया में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एक स्त्री के साथ हादसा हुआ है, उसको हादसा देखिए, सिंसियर रहिए, उसका पता लगाइए, उसके पीछे जितना भी आपकी भावनाएं हैं जो आप कर सकते हैं कीजिए, उसकी माँ के साथ, उनके पिता के साथ, उनके भाइयों के साथ खड़े रहिए, लेकिन खामखा का ये नैरेटिव नहीं बिल्ड कीजिए जो आपको पता नहीं है। नैरेटिव बिल्ड कर दिया मतलब खुद की जान लेना भी क्या आसान है, अगर ऐसा हुआ है तो यह भी अपराध करने के पीछे एबेटमेंट ऑफ सुसाइड होती है कि नहीं, यह भी अपराध है कि नहीं, कौन से लोग थे, किसने उसको वहां तक पहुंचने पे मजबूर किया, पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को तो आप सजा देते हैं क्या। वो लड़की बता रहे हैं ना कि भोजपुरी वाले किस ढंग से ट्रीट देते हैं, किस ढंग से बात करते हैं, कितनी बदतमीजी करते हैं, इसके बारे में तो बोल लो मनोज तिवारी, कुछ कर लो, सांसद हो, कहते हो मैं तो सांसद हूं, मैं तो जिम्मेदार हूं, लेकिन पूरी पूरी इंडस्ट्री जो बेजार है, अश्लीलता से भरा हुआ है, उसकी स्त्रियों के साथ इस ढंग से मजाक होते हैं, उनकी बेइज्जती होती है, उसे कुछ नहीं बोलना, और जब एक हादसा हो गया तो सेंसेशन क्रिएट करना कैसा हुआ होगा, पुलिस है ना पता लगाने के लिए। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुखद मसला है, हृदय में चोट लगती है, इसको उसी रूप में लेना चाहिए, मतलब कोई जो अपनी जान लेता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार कभी नहीं होता, मैं बता रहा हूं, एक व्यवस्था जिम्मेदार होती है, पारिवारिक, सामाजिक, और जहां लोग काम करते हैं उधर किसी का ध्यान नहीं जाता है, ये भी अपराध है ना। एक जमाने में जो लोग आत्महत्या करते थे और बच जाते थे तो उन्हें सजा मिलती थी कि भैया ये तो अपराध है, अब उसको अपराध को खत्म कर दिया कानून था ना। चलिए
मैं सिर्फ ये कहने के लिए आऊँ, हमारी सारी संवेदनाएं हैं भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मजबूत बने, सुंदर बने, सार्थक बने, सम्मानित बने और सम्मान की नज़र से देखा जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और ये जो कुछ हादसा हुआ है इसकी पुनरावृत्ति तो दूर 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 तक कभी नहीं होनी चाहिए। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जय सियाराम, हरिओम।